हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला लेक्चर डिटरमिनेंट का। तो देखिए, प्रॉपर्टी आपको हम दो पढ़ा दिए थे, तो इसका अगला प्रॉपर्टी देखते हैं डिटरमिनेंट में। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स of determinant are same, then value of determinant is 0. देखिए इसका मतलब क्या है। बोला गया है कि अगर डिटरमिनेंट्स का कोई भी दो रोज या कॉलम सेम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। जैसे आप समझिए कि हम बोले कि ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, और ये हम बोल रहे हैं कि ये भी ए बी सी है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो दो रो है क्या है, सेम है, तो इसका जो डिटरमिनेंट डेल्टा आएगा जीरो आएगा। अब बोलेंगे कैसे आएगा, तो निकाल कर चेक कर लीजिए, आ जाएगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिए, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, आ जाएगा जीरो। या ए में से ए जाएगा जीरो, बी में से बी जाएगा जीरो, सी में से सी जाएगा जीरो। तो माइनस करेंगे तो तीनों माइनस कर दीजिए, आर वन और आर थ्री को माइनस कर देंगे तो जीरो जीरो आ जाएगा। तो एक्सपेंड करने की क्या जरूरत है, आंसर जीरो ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज होता है। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी में दिया गया होगा, प्रूफ दैट, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6 इक्वल टू जीरो हमें प्रूफ करना है। देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे। अब एक्सपेंड करके करोगे तो समय लगेगा। तो क्वेश्चन दिया भी रहता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूफ दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है और प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूफ करना है। कैसे करोगे, तो देखिए इस R1 में से आपको कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है। देखिए 102, 18, 36 दोनों तीनों 6 से कट जाएंगे, तो 6 हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा। 102 में 6 लेंगे तो 17 बचेगा, 63 या 3 यहाँ बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। आप कॉमन ले सकते हैं, इस रो में से हम 6 को कॉमन ले लिए, ये हो गया 1, 3, 4, ये हो गया आपका 17, 3, 6। आप दिमाग लगाइए, अभी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाए हैं कि यहाँ पर लिख देंगे कि हियर आर वन इक्वल टू आर थ्री, हियर आर वन इक्वल टू आर थ्री, आर वन और आर थ्री क्या है, सेम है। सो आप समझिए कि ये क्या हो जाएगा, 6 × 0, क्योंकि 6 है, ये 0 हो गया, इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हो गया प्रूफ स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग रीजन दे दिए कि आर वन और आर थ्री क्या है, सेम है, तो 0 आएगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग स्ट्रांग बनेगा कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, प्रूफ दैट करना है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन है, जीरो है, क्वेश्चन हम लिखे हैं जीरो ए माइनस बी, जीरो ए माइनस बी है, ये माइनस ए है, ये जीरो है, यहाँ पर सी है, ये बी है, यहाँ माइनस सी है, और ये जीरो है। ये क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट और प्रूफ करना है कि इसको जीरो, ये क्वेश्चन है, और विदाउट एक्सपेंशन हमें प्रूफ करना है किसका जो आंसर आएगा जीरो आएगा। कैसे करोगे आप, क्या इसमें लॉजिक यूज करोगे। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा की इक्वल है, कि डिटरमिनेंट को इसकी वैल्यू डेल्टा आएगी। अब एक्सपेंड करके नहीं करना है, बोला गया है। कैसे करेंगे इसको विदाउट एक्सपेंड किए, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा हमें सोचना है, हम इसको डेल्टा मानकर चल रहे हैं, तो डेल्टा इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पर ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का फायदा क्या होगा, देखिए एक आपको हम बता रहे हैं कंसेप्ट कि पहले तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स जो है, लीडिंग डायगोनल, इस सारे एलिमेंट जीरो हैं, और लेडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट जीरो है, इसके अपोजिट साइड जो एलिमेंट है मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। देखिए इस जीरो के जो अपोजिट दो एलिमेंट बी और माइनस बी हैं,
मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन माइनस प्लस, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब माइनस प्लस है और ये जो जीरो है देखिए सी माइनस सी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि अपोजिट रहे साइन और सेम नंबर रहे, तो उस केस में एक ट्रिक बन गया कि उसको हमेशा जीरो आती है। अगर ये मान लीजिए कि तीनों जीरो जीरो रहे, ये पी माइनस क्यू, ये क्यू माइनस पी रहे, ये क्यू माइनस आर, ये आर माइनस क्यू रहे, ये पी माइनस आर, ये आर माइनस पी रहे और जीरो, तो आंसर कन्फर्म है कि जीरो ही आएगा, एक ट्रिक बन गया। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो के एलिमेंट कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एक कॉमन होता है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जीरो ए माइनस बी हो गया, मतलब कि जो रो है वो आपका कॉलम में चेंज हो गया और ये माइनस ए जीरो सी हो गया, रो कॉलम में चेंज हो गया, ये बी माइनस सी और जीरो और इक्वल टू में जीरो, तो प्रूफ करना ही है। लेकिन यही बताया था स्टूडेंट कि डेल्टा ट्रांसपोज भी लिए तो ये डेल्टा के ही इक्वल होगा, तो आप डेल्टा ट्रांसपोज को सिंपल डेल्टा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको हम चाहे तो डेल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा ट्रांसपोज डेल्टा प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट पढ़ाए तो सेम ही होता है। तो डेल्टा इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए तो क्या ये जो पहला एलिमेंट है जिसको डेल्टा मानते वही मैच कर रहा है, नहीं। देखिए चीज़ें तो वहीं, बस माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पर जीरो तो यहाँ भी जीरो है, तो क्या इस पूरे को डेल्टा हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं हम लोग इस पूरे को डेल्टा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ए तो माइनस ए है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे डिटर्मिनेंट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से ये फ़ायदा होगा कि ये बन जाएगा एक्चुअल डिटर्मिनेंट जिसको डेल्टा माने थे। देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा क्या होगा कि जीरो है तो जीरो में से माइनस कॉमन तो जीरो ही होगा, ये माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस ए हो जाएगा, जीरो में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस बी बी, ये माइनस सी और ये जीरो हो जाएगा। इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमें, जीरो तो प्रूफ करना ही है। क्या देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए कि ये जिसको हम माने थे डेल्टा, अब इसको डेल्टा लिख सकते हैं कि नहीं। तो डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा ट्रांसपोज था तो हम डेल्टा इसको लिख दिए क्योंकि दोनों सेम ही होता है। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, प्रूफ क्या करना है, जीरो तो डेल्टा इधर आएगा तो टू डेल्टा इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है। देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, ये तो टू डेल्टा इक्वल टू जीरो ही हो गया। तो कहने का मतलब कि हम इसको क्या लेकर चल रहे थे, तो यहाँ से इसको हम तो जीरो प्रूफ करना ही था, तो यहाँ पर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी को कर रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना था, इसको डेल्टा मान कर चल रहे थे, तो डेल्टा ये माइनस डेल्टा हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो जब इधर आएगा तो टू डेल्टा इक्वल टू जीरो ही हो गया। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पर डेल्टा कितना हो गया आपका, जीरो ही हो गया। तो मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो आ गई। तो इस पूरे को जीरो माने ही, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। समझिए इसको कैसे किए हैं, यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, जीरो तो हम इसको लेकर चल रहे हैं, जीरो को बाद में शोक दिखा देंगे। तो डेल्टा ट्रांसपोज कर लिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, तो डेल्टा ट्रांसपोज को सिंपल डेल्टा लिख दिए। अब ये फिर से माइनस डेल्टा इधर आएगा तो टू डेल्टा, तो माइनस जब आएगा तो टू डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब इस तो देखिए डेल्टा कितना आ गया, जीरो, तो डेल्टा जीरो आ गया। तो मतलब कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मतलब कि डेल्टा जीरो आ गया तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया। आप समझ सकते हैं कि इस पूरी की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो। तो ओके स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। इस पर एक और क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी का कितना शानदार यूज हो पा रहा है, प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कर पा रहे हैं। इसमें भी वही बोला गया है क्वेश्चन में कि विदाउट आपको एक्सपेंडिंग प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू, जिससे मान लीजिए जीरो है, ये पी माइनस क्यू है और यहाँ पर दिया गया आपका पी माइनस आर। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्यू माइनस पी लिखा गया है, ये जीरो लिखा गया है, यहाँ पर क्यू माइनस आर दिया गया है। तो आप समझिए, देखिए यहाँ पर भी पैटर्न आपको मिल जाएगा, ये पी माइनस आर तो यहाँ पर आर माइनस पी दिया है, फिर यहाँ पर आर माइनस क्यू और फिर ये जीरो, और इक्वल टू प्रूफ करना है जीरो। फिर से वही बात आ गई कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हमें करने का तरीका क्या है कि इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, डेल्टा मान लेते हैं, इसकी वैल्यू डेल्टा आएगी। तो इसको डेल्टा इक्वल टू लिख रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू इसको हम डेल्टा मान लें तो जीरो हो गया, ये पी माइनस क्यू है, ये पी माइनस आर, क्यू माइनस पी, जीरो क्यू माइनस आर, ये आपका आर माइनस पी है, आर माइनस क्यू, ये जीरो। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज लेने का फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा डेल्टा ट्रांसपोज
कि जो एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, आपका ये पी माइनस क्यू और ये पी माइनस आर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए रो के एलिमेंट कॉलम में आ गए, फिर ये भी जो होगा क्यू माइनस पी, ये जो रो है कॉलम में आ जाएगा, ये जीरो, ये क्यू माइनस आर, ये भी रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, तो आर माइनस पी, आर माइनस क्यू, ये हो जाएगा आपका जीरो। ध्यान से समझने वाली बात है कि क्या इसको हम लोग डेल्टा ट्रांसपोज इक्वल टू डेल्टा तो हम लोग पढ़े ही हैं, कोई मतलब नहीं है, डेल्टा ट्रांसपोज लेने के बाद इसको डेल्टा लिख ही सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, तो इसको डेल्टा इक्वल टू, इसको डेल्टा ट्रांसपोज को डेल्टा ही लिख दिए, इक्वल टू क्या है, इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए q माइनस पी है तो p माइनस क्यू है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा ये होगा कि फिर से आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो में तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन ये p माइनस क्यू हो जाएगा। हमें लगता है कि आप समझ रहे हैं इस बात को, p माइनस आर, यहाँ पर आपका हो जाएगा q माइनस पी, ये जीरो, ये q माइनस आर हो जाएगा, आर माइनस पी, ये हो जाएगा आर माइनस क्यू, ये जीरो। ध्यान से देखिए ये जो आपका डिटर्मिनेंट है यही तो है, यही तो एक्चुअल आ गया, इसके लिए कितनी डेल्टा है, मतलब यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया बताइए, माइनस डेल्टा, तो माइनस आएगा तो टू डेल्टा इक्वल टू क्या बच्चा जीरो, तो डेल्टा कितना प्रूफ हो गया जीरो, मतलब इसको क्या माने थे डेल्टा ही माने थे, तो डेल्टा ये तो जीरो आ गया, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया जीरो, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि इसको डेल्टा माने थे तो जीरो आ गया, तो जीरो इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, यह तो एक ट्रिक बन गया ना कि अगर a माइनस बी रहे यहाँ b माइनस ए रहे, यहाँ b माइनस सी, सी माइनस बी रहे, और c माइनस ए और a माइनस सी रहे और जीरो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा जीरो ही आएगा, ये एक ट्रिक की तरह काम करेगा। आप अगर मान लीजिए इक्वल टू नहीं दिया है और ऑप्शन दिया है तो हमेशा ऑप्शन जीरो ही टिक करोगे, क्योंकि इसका आंसर जीरो ही आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको एकदम अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, और देखते हैं बस इसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई, इसमें इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी इसकी समाप्ति हो गई है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या है, देखिए इसको हम स्टेटमेंट में नहीं लिख रहे हैं, बस आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर के ए वन है, ये के ए टू है, ये के ए थ्री है, यहाँ पर दिया गया है बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर का मतलब क्या है, इसमें से हम लोग जब भी एक किसी भी पार्टिकुलर रो या कॉलम में किसी कंस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई होता है, जैसे देखिए कि इस पार्टिकुलर रो में के से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पार्टिकुलर आपका जो कॉलम रो है उसमें इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं आप देखिए, तो इस पार्टिकुलर रो में जो के से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप एक काम कीजिए के को कॉमन ले लीजिए, इसमें ये होता है प्रॉपर्टी के को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, तो हम के को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए के कॉमन आ गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पार्टिकुलर रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाता है, यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है। कहने का मतलब कि अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है, अगर इसकी वैल्यू स्टूडेंट डेल्टा है, तो ये हो गया किसके कुल के डेल्टा, कि देखिए के तो बाहर आ गया, अब वही चीज़ है तो के डेल्टा, तो आप समझ सकते हैं कि यही इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है। अगर मान लीजिए अगर के बाहर मल्टीप्लाई है तो अब ये प्रॉपर्टी दोनों साइड काम करेगी, अगर मान लीजिए मैं के को एंट्री करानी है तो के को अंदर जब भेजोगे, अब जैसे मान लीजिए कि इस के का मल्टीप्लाई इसमें किया होता, इसमें नहीं होता, इस सेकेंड रो में, तो भी के कॉमन ही आता, फिर भी डेल्टा इक्वल टू के डेल्टा ही लिखते, या कोई ज़रूरी नहीं है कि इस के का मल्टीप्लाई इसी में, अगर कॉलम में भी हुआ होता तो के बाहर आ जाता, ये इसका लॉजिक है। अगर उसी तरफ समझिए कि के को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या आर वन में ही कर सकते हो आप केवल, नहीं, के की अगर एंट्री करानी है तो आप आर टू में भी कर सकते हो और आर थ्री में भी कर सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे के का मल्टीप्लाई तो सारे एलिमेंट में होगा, नहीं ऐसा नहीं है, अगर के, क्योंकि प्रॉपर्टी बोल रहा है ना कि यहाँ पर अगर के का मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक पार्टिकुलर रो में कर दो या तो किसी एक कॉलम में कर दो, आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन याद रखना सब में आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर के तीन बार होता है, के इंटू के, तो एक के का फर्स्ट रो में कर लेते, दूसरे के का सेकेंड रो में, तीसरे के का थर्ड रो में, ऐसे करते,
लेकिन एक सिंगल के है तो आप किसी एक ही जगह भेजोगे, या किसी पार्टिकुलर रो में या किसी पार्टिकुलर कॉलम में। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। तो ये इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। एक क्वेश्चन लाए हैं इस पर, देखिए यहाँ पर दिया गया 32, ये 24, ये 16 है, 8 है, 3 है, 5 है और 4, 5, 3 है। अब जैसे मान लो हमें इसको बोला गया है कि इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, फर्स्ट रो के लांग इसको एक्सपेंड कीजिए। नंबर तो कुछ बड़े हैं यहाँ पर, आएगा आंसर, लेकिन इसमें देखिए कुछ चीज़ कॉमन अगर मिल रही है, जैसे इसमें के आपको कॉमन मिल रहा था, तो अगर कॉमन मिले तो कॉमन निकाल करके इसको सिम्प्लीफाई कीजिए, आंसर हो सकता है जल्दी आ जाए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम करने के लिए इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम 40 लिख देते हैं और यहाँ पर हम 24 दे देते हैं। तो देखिए इसमें बताइए कि क्या कोई इसका अगर आंसर निकालना है तो आप इसको फर्स्ट रो के लांग इसको एक्सपेंड करोगे तो समय लगेगा। तो कुछ कॉमन अगर मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 कहती है कॉमन तो ले ही सकते हैं। तो देखिए इस फर्स्ट रो में कॉलम आपको फर्स्ट रो में कॉमन चीज़ मिल रहा है, 8 मिलेगा, तो जब यहाँ पर 8 मिलेगा तो 8 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, देखिए 4, 8, 4 जा, 8, 5 जा 40, 8, 3 जा 24, यहाँ पर आपको हो जाएगा 8, 3, 5, यहाँ हो जाएगा 4, 5, 3। अगर ध्यान से देखें तो 8 कॉमन हो गया। अब एक तो प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लिए, हो सकता है कि एक क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी यूज हो जाए। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर कोई भी दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम तो उसकी वैल्यू 0 आती है। देखिए यहाँ पर दो रो सेम हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हियर R1 और R3 तो इक्वल है आपस में, तब तो बात ही बन गई, 8 × 0 इसका आंसर क्या गया, 0 आ गया। अब विदाउट प्रॉपर्टी भी अगर एक्सपेंड करके करते तो आंसर 0 आता, लेकिन वो गधों का काम हो जाता, हमें गधे नहीं बनना है, हमें तो रेस लगानी है और जल्दी करना है। तो ओके स्टूडेंट, आप एकदम कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का सारा डिस्कशन हो गया और उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको आप लोग ट्राई करके बताइएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको करना होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा और जरूर इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ओके स्टूडेंट, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कौन जल्दी कमेंट करता है। तो ओके स्टूडेंट, जल्दी इसको आप आंसर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।